She's sick. I'm not dying like that. What are we dying? तो मूवी की शुरुआत होती है एक जंगल में एक आदमी को दिखाते हुए। ये एक डॉग का शिकार करके अपने कैंप के पास जाता है और इसके साथ एक डॉग भी होता है और ये यहाँ पर आता है तो देखता है कि मेरा डॉग यहाँ पर मर गया है। जिसके बाद सीन यहाँ से कट हो जाता है और दिखाया जाता है हमें कुछ दोस्तों के ग्रुप को जो कि ये वेकेशन के लिए कहीं घूमने के लिए जा रहे होते हैं और ये 5 लोग होते हैं जिसमें 2 लड़की और 3 लड़के होते हैं। रास्ते में ये लोग एक पेट्रोल पंप के पास रुकते हैं जहां पर इन्हें एक लड़का दिखता है जो कि रैबिट मास्क पहने बैठा होता है। यहां पर पॉल जो है उसके पास जाता है, ये उसके पास जाता है और उसका हाल चाल पूछता है लेकिन वो क्या करता है उसका हाथ पकड़ लेता है पॉल का और उसके हाथों में दांत गड़ा देता है। जिसके बाद उसका फादर आता है और बोलता है कि मैंने तुझे बोला था ना कि किसी अनजान व्यक्ति के पास नहीं जाना है। ये लोग बोलते हैं अरे भाई उसे मत डांटो, उसकी कोई गलती नहीं है, बट ये है कि उल्टा इन्हीं को बोलने लगता है। ये लोग यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं और सारी चीजें यहाँ की देखते हैं क्या कैसा है वगैरह वगैरह देखते हैं यहाँ पर। तभी यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है, ये बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो और कहाँ जा रहे हो। तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग छुट्टियों में आए हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं और जा रहे हैं आगे जाकर के घूमेंगे। ये इनको यहाँ पर बोलता है कि ठीक है जाओ घूमो बट ध्यान से, और बोलता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है जिससे लोग यहाँ पर मरते हैं तो ध्यान से जाना। तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग कोई बच्चे नहीं है, हम लोग अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ से रवाना हो जाते हैं। कुछ देर बाद ये लोग एक केविन के पास जाते हैं जो कि ये लोग पहले से ही ये केविन बुक कर चुके थे। ये लोग यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है। जिसके बाद ये लोग देखते हैं कि मोबाइल पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता है। फिर इनमें से कुछ लोग रूम में चले जाते हैं मजे करने के लिए और जो मजे कर रहे होते हैं उनका नाम होता है जेफ एंड मर्सी और ये लोग इधर आ गए होते हैं स्विमिंग करने के लिए जिनका नाम होता है क्लेयर एंड पॉल। और इधर ये इसका नाम होता है बर्ट और ये थोड़ा पागल टाइप का होता है, मतलब समझ रहे हो, बोले तो नॉटी बॉय होता है। ये एक गन लेकर के चला जाता है जंगलों में, ये अकेला होता है। ये इधर आकर के अपना मस्ती करता है जैसे कि ये कोई कमांडर हो और अपने ऑफिसर्स को लीड कर रहा हो। तभी इसके सामने एक आदमी आ जाता है और ये उस पर गोली चला देता है और ये वही आदमी होता है जो मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बहुत ही अजीब तरह का लग रहा होता है, मतलब जैसे कि ये बीमार हो गया हो, जैसे कि इसका पूरा स्किन जल गया हो। ये बर्ड से हेल्प मांगता है बट बिना हेल्प किए बर्ड यहाँ से भाग जाता है। ये केविन के पास आता है तो जेफ एंड मर्सी यहीं पर होते हैं तो मर्सी पूछती है कि ये गन तुमने क्यों लिया है, क्या किसी को मारने का इरादा है क्या। तो बर्ड बोलता है कि किसी को मारने के लिए थोड़ी ना रखा है मैंने, बस ऐसे ही रख लिया, और बिना इनको कुछ बताए यहाँ से अंदर चला जाता है। फिर रात होती है और हम देखते हैं कि सारे लोग एक कैंप फायर के पास बैठ करके बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और बोलता है कि मैं बस इधर से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर आग जल रहा है तो मैं यहाँ पर आ गया। इसके पास एक डॉग भी होता है। यहाँ पर ये लोग बैठ करके कुछ देर बातें करते हैं तभी बिजली कड़कने लगती है और ये बोलता है कि मुझे अब जाना होगा क्योंकि मैंने बहुत से चीज बाहर रखे हैं घर के तो वो सब भींग जाएंगे तो मुझे जाना होगा, मैं आऊंगा रात को। कुछ देर गुजरते हैं और हम देखते हैं कि ये सब बैठ करके घर में आपस में बातें कर रहे होते हैं, हंसी मजाक वगैरह कर रहे होते हैं। तभी कोई गेट पर नॉक करता है तो ये लोग सोचते हैं कि वही आदमी होगा जो रात को आया हुआ था, तो ये लोग दरवाजा खोलने के लिए जाते हैं और हम देखते हैं कि ये तो वही आदमी होता है जो जंगल में बर्ड से मिला था। इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और ये इनसे हेल्प मांगता है। तभी ये बर्ड को देख लेता है और बर्ड इसे बाहर धक्का दे करके गेट को बंद कर देता है। फिर ये लोग देखते हैं कि ये तो कार की तरफ जा रहा है और कार में जा करके ये बैठ जाता है। ये सब लोग कार के पास जाते हैं और उसे बाहर निकलने को बोलते हैं लेकिन ये निकलता ही नहीं है और ये आदमी कार के अंदर खून की उल्टी कर देता है। इसे निकालने के चक्कर में ये अपनी गाड़ी को पूरी तरफ से बर्बाद कर देते हैं और गोली चला करके कार को पंचर भी कर देते हैं। फिर किसी तरह इसको ये लोग बाहर निकालते हैं और इस पर तेल छिड़क करके इस पर आग लगा देते हैं और ये ऐसे ही जलते हुए आगे की तरफ कहीं भाग जाता है। बाद में ये घर में बैठ करके इसके बारे में सब लोग सोचने लगते हैं कि हम लोगों ने ये क्या कर दिया। यहाँ पर क्लेयर बोलती है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। जेब बोलता है कि हम लोग कैसे जाएंगे, गाड़ी तो खराब हो गई है, सुबह उठते ही हम लोग गाड़ी को ठीक करेंगे, उसके बाद यहाँ से हेल्प मांगने के लिए कहीं जाएंगे। सुबह होते ही मर्सी यहाँ से चली जाती है कहीं हेल्प मांगने के लिए, नाव के जरिए रिवर के जरिए होते हुए कहीं हेल्प मांगने के लिए चली जाती है। फिर यहाँ पर हमें एक अलग ही सीन दिखाया जाता है कि जो रिवर के जरिए पाइप होते हुए केबिन के अंदर जो पानी जा रहा था उस सीन को यहाँ पर
दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर पॉल इस पानी को लेकर के क्लेयर के पास जाता है और क्लेयर इधर रात के घटने को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में होती है। पॉल उसे पानी पीने के लिए देता है और ये पानी क्लेयर पी लेती है। फिर हम जेफ एंड बर्ड को देखते हैं कि ये लोग भी हेल्प मांगने के लिए कहीं निकल चुके होते हैं और ये लोग जब आगे जाते हैं जंगलों के रास्ते से होते हुए तो इनको एक घर दिखता है और साथ में इन्हें एक बूचर हाउस भी दिखता है जिसके अंदर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। तो ये लोग उसके पास जाते हैं। ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत है जो कि एक सुअर को काट रही है। ये बूढ़ी औरत इनसे अजीब सी बातें करती है, जैसे कि वो बोलती है कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर इन्फेक्टेड हो चुके हैं और अब नहीं काट सकती मैं इन जानवरों को और ये सुअर भी इन्फेक्टेड हो चुका है इसलिए मुझे इसे काटना पड़ रहा है, क्या तुम इसे खाओगे, ये इन्फेक्टेड है। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर नए हैं और हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आपके पास कोई गाड़ी वगैरह है। ये बोलती है कि हाँ मेरे पास एक ट्रॉली है, सामने ही मेरा घर है, वहाँ पर चलते हैं, चलो आओ। तो ये लोग उस औरत के घर पर जाती हैं तो बूढ़ी औरत बोलती है कि मेरा एक कजन था जो कि कैंप करने के लिए गया था जंगलों के बीच, क्या तुम लोगों ने उसे देखा है, ये रही उसकी तस्वीर। तो ये लोग देख करके डर जाते हैं कि ये तो वही आदमी है जो हमने रात में इसको जलाया था। तो ये लोग बिना कुछ बोले और बिना कुछ कहे बिना ट्रोली लिए यहाँ से चले जाते हैं डर करके। इधर हम देखते हैं कि मर्सी भी आ चुकी होती है और बोलती है कि मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिली। कुछ देर बाद हम पॉल को देखते हैं कि इसके पास एक पुलिस ऑफिसर आती है और बोलती है कि लगता है कि तुम लोगों ने रात में बहुत ज्यादा पार्टी की। यहाँ पर पॉल इसको सब कुछ सच सच बता देता है कि रात में एक आदमी आया था और उसने मुझ पर हमला हम साथियों पर हमला करने की कोशिश की थी और हम लोग अपनी बचाव में जो बन सका हम लोगों ने किया और हम लोग रिपोर्ट करने आने ही वाले थे सुबह, लेकिन हम लोगों के पास गाड़ी ही नहीं थी। अगर आपके पास कोई कार वगैरह है तो प्लीज हेल्प कर दीजिए हमारी, हम लोग घर चले जाएंगे। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर बोलती है कि हाँ मेरे पास कार तो है लेकिन जाना पड़ेगा लाने के लिए, मैं जाती हूँ ना यहाँ से तो कार भेज दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग अपनी कार को अच्छे से ठीक कर रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुत्ता आ गया है और ये वही कुत्ता होता है जो पिछले रात उस आदमी के साथ आया था और इस कुत्ते की भी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है और ये कुत्ता इन पर भौंकने लगता है। तभी वहाँ पर मर्सी आती है और उस पर गन फायर करके वहाँ से भगा देती है कुत्ते को। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये लोग आपस में बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर जेफ बताता है कि यहाँ पर कोई बीमारी है और वो जो कुत्ता था और जो उसके साथ आदमी था, मुझे लगता है कि ये बीमारी उसी ने फैलाया है और अब वो दिख नहीं रहा है। फिर ये लोग अपने कार के पंचर को ठीक करने के लिए यहाँ पर बैठे होते हैं, तभी पीछे से वही डॉगी आ जाता है और इन पर हमला करने की कोशिश करता है और इन पर भौंकने लगता है। जेफ उस पर गन फायर भी करता है लेकिन इस बार उस पर कुछ असर ही नहीं हो रहा था। इधर हम क्लेयर एंड पॉल को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लेयर इन्फेक्टेड हो चुकी है तो पॉल यहाँ से हेल्प मांगने के लिए भागता है। पॉल यहाँ पर आता है तो सब कुछ बताता है तो यहाँ पर बर्ड जो है क्लेयर को अंदर ही बंद कर देता है और बोलता है कि हम लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे, इसे अंदर ही रहने दो, और इसे अंदर ही बंद कर देते हैं। यहाँ पर ये लोग बातें करते हैं कि हमें क्लेयर को किसी और रूम में रखना चाहिए, सामने एक छोटा सा रूम है, क्लेयर को हम वहीं पर रख देंगे, नहीं तो अगर हम उसके साथ रहे तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्लेयर आ जाती है तो ये लोग क्लेयर को लेकर के सामने वाले रूम में चले जाते हैं और उसको वहीं पर बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम चिंता मत करना, हम बस यहीं पर तुम्हारा ध्यान रखते रहेंगे। यहाँ पर पॉल बोलता है कि मैं आता हूँ जंगलों की तरफ से हेल्प मांग कर, कहीं हेल्प वगैरह मिल जाए तो अच्छा होगा। तो पॉल हेल्प मांगने के लिए यहाँ से चला जाता है बट कुछ ही देर में वापस भी आ जाता है क्योंकि उसे हेल्प नहीं मिलती। ये लोग वापस केबिन में आते हैं जहाँ पर मर्सी बोलती है कि अगर किसी को भूख वगैरह लगा हो तो खा ले, बट यहाँ पर बर्ट बोलता है कि जब तक हम लोग यहाँ से नहीं निकल जाते तब तक हम लोग कुछ यहाँ पर नहीं छुएंगे और ना ही कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे, क्या पता खाने और पीने से फैलता हो ये। लेकिन हम थोड़ी ही देर बाद देखते हैं कि ये तो पानी पी लेता है और अब इसके साथ क्या होगा वो तो आगे पता चलेगा। तभी ये लोग देखते हैं कि जिस रूम में क्लियर है उसके पास वो वाला डॉग आ गया है जो कि उस टाइम आया था। तो ये लोग दौड़कर वहां जाते हैं लेकिन जब तक ये लोग गए होते हैं वहां से वो डॉग भाग गया होता है। तो यहाँ पर सब लोग क्लियर से बोलते हैं कि वो डॉग चला गया है, तुम चिंता मत करो, हम लोग यहीं पर है, तुम्हारा हम लोग ख्याल रखेंगे और बस एक ही रात की बात है, सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। सुबह होती है और बर्ट कार को ठीक कर लेता है। इधर ये लोग क्लियर को लेने के लिए आते हैं बट हम देखते हैं कि क्लियर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। ये लोग क्लेयर को लेकर कार के पास जाते हैं और हम तभी यहीं पर देखते हैं कि बर्ड भी इन्फेक्टेड हो चुका है। तो ये बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाता है और यहाँ से जल्द निकलने की कोशिश करता है लेकिन ये बात जेफ को पता चल जाती है। जेफ उससे बोलता है कि तू भी इन्फेक्टेड हो चुका है ना, और बर्ड यहाँ से कार लेकर के अकेले ही यहाँ से भाग जाता है। इधर जेफ बोलता है इन दोनों से कि तुम लोग इन्फेक्टेड हो चुके हो क्योंकि तुम लोगों ने क्लेयर को छुआ है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और ये यहाँ से एक
एक झोपड़ी की तरफ चला जाता है। कुछ देर गुजरती है और हम देखते हैं इन लोगों को। इन लोगों का यहाँ पर कुछ अलग ही सीन स्टार्ट हो गया और यहाँ पर पॉल इसके बैग पर नाखून चला देता है। इधर बर्ट उन लोगों के पास आ जाता है जब शुरुआत में ये लोग पेट्रोल पंप के पास रुके थे। बर्ट यहाँ पर आकर के इनसे हेल्प मांगता है और बोलता है कि मुझे डॉक्टर की जरूरत है। तो ये बोलता है कि बस तुम दूर रहो, मैं एक डॉक्टर को कॉल करता हूँ। तो ये डॉक्टर को कॉल करने के लिए अंदर चला जाता है और इसका हरामी बेटा यहीं पर होता है। और इस बार ये बर्ट को दांत काट लेता है। तो इसका फादर दौड़ते हुए बाहर आता है और बोलता है कि तूने मेरे बेटे को इन्फेक्टेड कर दिया, क्यों आया तू यहाँ पर, अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और गन ला करके बर्ट पर फायर करने लगता है, लेकिन बर्ट यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर ये लोग बात करते हैं कि हमें इन लोगों को मारना होगा क्योंकि ये लोग इन्फेक्टेड हैं और सारे जगह पर ये लोग इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो ये लोग गन लेकर के बर्ड के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन बर्ड की कार रास्ते में ही खराब हो जाती है और इसे निकल करके जंगलों की तरफ भागना पड़ता है। इधर हम मर्सी को देखते हैं कि ये टब में बैठ करके पानी में मस्त नहा रही होती है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि इसको भी इन्फेक्शन फैलने लगा है क्योंकि उस टाइम ये लोग कुछ और कर रहे थे और पॉल ने इसके बैग पर नाखून कर दिया था और ये पानी में बैठकर नहा रही थी और ये इन्फेक्शन जो है ना पानी से ही फैल रहा था। ये बात आपको आगे पता चलेगी, बस आप इसे देखते रहो। इधर हम पॉल को देखते हैं कि ये जेफ को ढूंढने के लिए आगे की तरफ चला जाता है, यानी कि रिवर की तरफ चला जाता है। और इस रिवर में वही आदमी दिखता है जो लास्ट टाइम इन लोगों ने इसे जलाया था और ये अभी तक मरा नहीं होता है, अभी तक जिंदा ही होता है, पानी के अंदर होता है। पॉल उसे किसी तरह छुटकारा पाता है और पॉल जब उस पानी से रिवर से बाहर निकल करके आता है तो पानी के अंदर वो एक पोस्टर देखता है जिसमें लिखा होता है कि ये पानी इन्फेक्टेड है जिसके कारण आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हो। यहाँ पर अब इसे पता चलता है कि ये इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है और हाँ, अब पॉल भी इन्फेक्टेड हो चुका है क्योंकि ये भी पानी के अंदर गया था। इधर हम मर्सी को देखते हैं कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। ये बाहर आती है तो वही डॉग दिखता है जो कि पूरी तरह से ये भी इन्फेक्टेड हो चुका था। यहाँ पर ये डॉग मर्सी पर हमला कर देता है और उसे काट काट कर पूरी तरह से खा जाता है। रात को पॉल यहाँ पर जब आता है तो देखता है कि मर्सी का हाथ यहाँ पर पड़ा हुआ है और बॉडी कहीं दिख ही नहीं रही। फिर इसको उस रूम से आवाज आती है जिस रूम में क्लियर होती है। वो उसके अंदर जाता है तो देखता है कि वही डॉग उसके अंदर है और क्लियर को यहाँ पर काट काट कर खा रहा है। यहाँ पर पॉल उस पर गन चला करके उसका यहाँ पर काम तमाम कर देता है। यहाँ पर क्लियर पॉल से बोलती है कि प्लीज मुझे मार डालो, मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं अब मुझे मार डालो। पॉल क्लियर को किसी तरह यहाँ पर दिल पर पत्थर रख करके मार डालता है। बर्ट भी इधर आ चुका होता है। पॉल उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो, तभी वहाँ पर ये तीनों भी आ जाते हैं और बर्ट की खोपड़ी उड़ा देते हैं, जिसके बाद ये पॉल पर भी हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉल के पास तो गन थी तो पॉल उन पर हमला कर देता है और उन्हें यहाँ पर मार डालता है। फिर ये यहाँ से इन लोगों की कार लेकर के यहाँ से निकल जाता है, लेकिन हम रास्ते में देखते हैं कि पॉल भी इन्फेक्टेड हो चुका है क्योंकि उस टाइम ये पानी के अंदर गया था। ये देखकर ये शॉक्ड हो जाता है और कार यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। और जहाँ पर इसके कार की एक्सीडेंट होती है वहीं पर हम देखते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर भी यहीं पर होती है। पॉल उससे बोलता है कि तुम अपनी कार भेजने वाली थी, क्यों नहीं भेजी। पुलिस ऑफिसर को यहाँ पर एक कॉल आता है जिसमें इसका हेड बोलता है कि केबिन की तरफ कुछ लोग हैं और वो लोग इन्फेक्टेड और अगर वो लोग दिखे तो उनको गोली मारने का आदेश है। यहाँ पर पॉल बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मेरी हेल्प करो। पुलिस ऑफिसर बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है, तुम यहाँ से ये रास्ता पकड़ करके मेन रोड पर चले जाओगे। तो पॉल यहाँ से चला जाता है, लेकिन जब पॉल यहाँ से जाता है और जंगलों के बीच जाता है तो देखता है कि यहाँ पर तो कोई रास्ता ही नहीं है, तो ये समझ जाता है कि उसने मुझसे झूठ बोला। दूसरी तरफ हम जेफ को देखते हैं कि ये केविन के पास आया होता है। ये यहाँ पर आता है तो देखता है कि यहाँ पर तो हर तरफ लाशें भरी पड़ी है और ये मर्सी का हैंड भी देखता है यहाँ पर, और यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने तुम लोगों से बोला था कि इन्फेक्टेड व्यक्ति को मत छुओ, क्लियर को मत छुओ, लेकिन तुम लोगों ने नहीं माना, देखो मैं इन्फेक्टेड नहीं हुआ। तभी ये अपनी हाथ को देखता है कि ये तो ये भी इन्फेक्टेड हो चुका है और तभी यहाँ पुलिस ऑफिसर भी आती है और उसे यहाँ पर शूट कर देती है और इसका काम भी यहाँ पर तमाम। फिर यहाँ से सीन जाता है जंगलों के बीच जहाँ पर हम पॉल को देखते हैं और हम देखते हैं कि पॉल मर चुका है और ये हरामी लड़का इसके पास होता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी बताना कमेंट में, और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।